हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा शो के बारे में, या आप कह सकते हो कपिल शर्मा शो, या आप कह सकते हो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। दोनों में से कुछ भी कहो, चीज आपको एक ही मिलेगी। ओके, आज बात करेंगे अगर आपको भी कपिल शर्मा शो में काम करना है तो कैसे कर सकते हो, और दूसरा कि कपिल शर्मा शो कब वापस आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं सन 2013 से, जब कपिल शर्मा ने इस शो की नींव रखी थी। मतलब सबसे पहली बार 22 जून 2013 को उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल स्टार्ट किया था, और उनके साथ उस टाइम कई और लोग थे, जैसे सिद्धू सर हुए और चंदन प्रभाकर, मतलब जो उनके दोस्त हैं बचपन के, अली असगर हुए, सुनील ग्रोवर थे और सुमोना थी, मतलब जो उनकी टीम थी लाफ्टर चैलेंज वाली, वही उन्होंने लेके आ गए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। वो वही दौर था जब लाफ्टर चैलेंज खत्म हो रहा था, उससे पहले लाफ्टर चैलेंज 5-6 शो हो चुके थे, और उसी टाइम कपिल शर्मा ने ये सोचा था कि अब हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और ये बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म था, कॉमेडी विथ इंटरव्यू, वो भी एक्टर्स के साथ, मतलब स्टार के साथ, और ये आते ही सुपर हिट हो गया। मतलब आते ही सोच लो ये सीधे टॉप पे पहुंच गया था, टीआरपी उसकी एकदम हाई हो गई थी। अभी भी जब भी ये शो आता है, टीआरपी इसकी वैसे भी नंबर 1 पे ही रहती है, और ये शो ऑलमोस्ट 3 साल तक चला था। फिर ये शो बंद हुआ 24 जनवरी 2016 में, मतलब 22 जून 2013 से स्टार्ट हुआ था और 24 जनवरी 2016 को खत्म हुआ। फिर उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये खत्म इसलिए होता क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था कलर्स के साथ। ये उस टाइम कलर्स पे इनका ये शो आता था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और बहुत चीजें थी, अनबन हो रही थी, बहस हो रही थी उन लोग के बीच में कि नहीं, मतलब आप ये करो वो करो, और कपिल शर्मा ने वो चीज मानी नहीं, और इसीलिए कपिल शर्मा ने कलर्स को छोड़ के सोनी टीवी पे आ गए, और सोनी टीवी पे उनका शो आया द कपिल शर्मा शो, और ये शो भी आते ही सुपर हिट हो गया। मतलब ऑन एयर होते ही ये भी टॉप पे आ गया, टीआरपी इसकी भी नंबर 1 हो गई, और फिर लगी नजर लोगों की। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घटी जब वो कलर्स में थे, तभी उनकी एक बार उनके सेट पे आग लग गई थी। कहा गया कि आग लगी है, पर वो होता है ना कि लोग जलने लगते हैं किसी की तरक्की देख के, तो आई होप वो आग लगी ही हो, किसी ने लगाई ना हो, क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं है, न्यूज और इन्हीं सब के द्वारा मुझे भी पता चलता है। और वो एक घटना हुई थी, उसके बाद फिर ये लोग एक बार गए थे यूएस अपना प्रोग्राम करने, वहां पे कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए, एक तरीके से आप सोच सकते हो। झगड़ा जो हुआ था वो कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर के बीच में होता है, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी, हम दोनों फ्लाइट में झगड़ा कर लिया, उसी में सुनील ग्रोवर आके बीच में उनको रोकने लगे, और वो बीच बीच में वो गुस्सा उन पे भी चला गया, तो उनको भी बुरा लग गया। बात सही है, सबकी अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर किसी को आप कुछ बोलोगे तो उनको तो बुरा लगेगा ही, तो ठीक है। और तब से अभी तक, मतलब वो लड़ाई हुई थी 2017 में, और 2017 से अभी तक कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर कभी साथ में नहीं आए हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, लोगों की गाड़ी अपनी अपनी जगह चलती रहेगी, कपिल शर्मा अपना शो बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और सुनील ग्रोवर साथ ही साथ मूवीज में नजर आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सुनील ग्रोवर की बात में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा शो के बारे में। और उसके बाद बीच काफी परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, फिर उनको मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो बैंगलोर भी गए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई। वो कहते हैं ना, एक झटके में कपिल शर्मा टूट गए थे, मतलब उसी साल उनकी लड़ाई हुई और फिर उसी के बाद उनकी फिल्म आई फिरंगी, वो भी फ्लॉप हो गई। मतलब एक तरफ से उनका फॉल डाउन शुरू हो गया था, कि ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा अब वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद उन्होंने सीजन 2 लाया, द कपिल शर्मा शो सीजन 2, जिसके प्रोड्यूसर थे सलमान खान, कपिल शर्मा भी खुद थे, और इस शो में नजर आ रहे थे वही उनके दोस्त की कुशारदा, सुमोना, चंदन प्रभाकर और एक दो लोग और। और इस बार दो लोग और नजर आए, भारती और कृष्णा अभिषेक, जो कि इस टीम के मेंबर बने और आज तक बने रहे हैं। वैसे दोस्त तो वे पहले से ही थे, बट ये जब लाफ्टर चैलेंज करते थे ना, तो इनकी कपिल शर्मा की एक अलग टीम थी और कृष्णा सुदेश सर ये अलग थे, तो होता था कंपटीशन होता था दोनों के बीच में, तो कभी साथ नहीं होते थे, बस ऐसा लोगों को लगता था, बट अंदर ही अंदर ये एक दोस्त अच्छे थे। उसके बाद ये दोनों फिर से साथ में आए कपिल शर्मा शो में सीजन 2 में, और ये शो अभी बंद हो गया है जैन में ही, इसी साल जैन
2021 में बंद हो गया क्योंकि कपिल शर्मा पेटर्निटी लीव पे चले गए हैं और साथ ही साथ उनका एक शो भी आने वाला था नेटफ्लिक्स पे, तो वो उसकी भी तैयारी में लगे हुए थे ये कहा गया था। और ये बात पता चली थी कृष्णा अभिषेक के द्वारा कि मई में ये सीजन वापस स्टार्ट होगा, मतलब नया सीजन कपिल शर्मा शो सीजन 3 वापस स्टार्ट होगा मई में, पर अभी ऐसी कोई आसार नजर नहीं आ रही थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, वेव 2 आ गई थी कोविड की, इसीलिए ये अभी करना उन लोग के लिए सही नहीं लगा। पर अब ऐसा सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कपिल शर्मा शो सीजन 3 अगस्त में आ जाएगा, कंफर्म है ये कि अगस्त 15 अगस्त से आसपास, वो 15 अगस्त होता ना उससे पहले ये कपिल शर्मा शो आपको वापस नजर आ जाएंगे सोनी टीवी पे ही वापस। देर किस बात की दोस्तों, अगर कपिल शर्मा वापस आ रहे हैं तो आपको भी चांस मिलेगा, क्योंकि होता गया है ना कि देखो अगर कपिल शर्मा की जो टीम है अगर वो तो वो वही रहेगी, अगर आपको भी काम करना है तो आप जो कभी कभी एक आध दो बंदे आते रहते हैं ना साइड रोल करने के लिए, आप उनकी जगह जा सकते हो, जो मतलब स्टार्टिंग में अगर देखने भी जाना चाहते हो तो वहां पे जाके काम कर सकते हो थोड़ा बहुत। और एक चीज और, इसमें क्या होता है कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कपिल शर्मा का ही जो प्रोडक्शन हो सकता है K9 फिल्म्स, आप एक बार जाके आपको ऑडिशन देना पड़ेगा क्योंकि वो वहीं से सेलेक्ट करते हैं कि किसी एक, कभी कभी एक छोटे छोटे किरदार की जरूरत पड़ जाती है शो में उनके जब वो एक्ट करते हैं। वैसे तो वो हमेशा फेमस लोग या जो नोन फेस होते हैं उनको लेते हैं, बट कभी कभी आप देखो नोटिस करो कि छोटे जो अननोन फेस होते हैं उनको भी चांस मिलता है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे ही काम मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कपिल शर्मा शो में काम करने के लिए तो आप इनके प्रोडक्शन हाउस में जाके एक बार आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको देखना है कपिल शर्मा शो, मतलब जो शो होता है वो देखना है, तो आपको फिल्म सिटी जाना पड़ेगा, मुंबई के फिल्म सिटी, वहां पे रिलायंस स्टूडियो है, वहीं पे उनकी शूटिंग चलती है कपिल शर्मा शो की, और वहां पे आपको एज अ ऑडियंस बन के जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, अगर वहां पे अगर शूट हो रहा है तो आप डायरेक्ट जाओ, और अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो वो कोऑर्डिनेटर्स का है, अगर आप कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू भी जा सकते हो ऑडियंस बनने, वहां पे जाके उनके शो को एंजॉय कर सकते हो, बट वो बहुत ही हैक्टिक हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट 12-14 घंटा शूट चलता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑडियंस बनना चाहते हो, वैसे एंजॉय बहुत होता है वहां पे, जाओगे तो मजा तो जरूर आएगी क्योंकि जब शो में इतनी हंसी आती है तो वहां पे वो लोग कितने रिटेक लेते होंगे, क्या मस्ती करते होंगे, उसमें तो और मजा आता होगा, तो एक बार जरूर जाना। तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं जब डेली ऑडिशन अपडेट देता हूँ उसमें आपको कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मिल जाएंगे, पर ये कंफर्म नहीं रहता कि कौन सा कोऑर्डिनेटर कपिल शर्मा शो का कोऑर्डिनेटर है, मतलब उनके ऑडियंस को इकट्ठा कर रहा है, तो उसके लिए आप पूछ सकते हो उनसे। वैसे मैं एक दो आपको मेल आईडी दे रहा हूँ, ये भी कोऑर्डिनेटर्स ही हैं, आप इनको भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, ये भी कपिल शर्मा के शो को ही ऑडियंस के लिए काम करते हैं। तो ये जब मुझे ऑफर आया था कि आना है कि अगर कपिल शर्मा शो के ऑडियंस बननी है तो आप इसमें जाके अपने कर सकते हो, प्रोफाइल शेयर कर दो, वो वैसे भी बुला लेते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं होती प्रोफाइल देखने और कुछ के लिए, बस उनके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका बस। तो आप चाहो तो इन दो तरीका है आपके पास कि कपिल शर्मा शो में आप एज अ ऑडियंस बन सकते हो। तो आई होप आप लोग को सारी चीज पता चल गई होगी कि कब वापस आ रहा कपिल शर्मा शो और कैसे आपको अप्लाई करना है काम करने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तो जरूर लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। जय हिंद, जय भारत।